But when you come together, oh my, that's it. When you fully obey God, this will all men know you're my disciples when you have love one for the other. जब आप एक साथ आएंगे, ओ प्रभु, बस जब आप पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, तो सारे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। When you get part of the theology out, get a little love in there, it'll do works and wonders and miracles. But we got to have that. For who? For everybody. जब आप धर्म ज्ञान के भाग को बाहर निकाल देते हैं और वहां पर जरा से प्रेम को लेते हैं, तो ये कार्य करेगा और अद्भुत कार्य करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा. लेकिन हमारे पास ये होना चाहिए किसके लिए? सारे लोगों के लिए. Oh, for that old bunch of assemblies of God, or that old bunch of church of God, or old oneness, or threeness, or fiveness, or whatever they got. Me love them, I couldn't love their antichrist. You're lost yourself, brother, when you think that. That's right. Oh, उस पुराने assembly of God झुंड के लिए, या उस पुराने चर्च ऑफ गॉड झुंड के लिए, या पुराने वैननेस, या थ्रीनेस, या फाइवनेस, या जो कुछ भी उन्हें मिला है, क्या मैं उनसे प्रेम करता हूं? मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता. वह मसीह विरोधी हैं. भाई, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने आप में खो चुके हैं. ये सही बात है. You're not right with God if you can't raise out a hand to the bitterest enemy you've got and try to win him to Christ, then the Spirit of Christ isn't in you. आप खुदा के साथ सही नहीं हैं यदि आप अपने सबसे कट्टर शत्रु की ओर हाथ को नहीं बढ़ा सकते हैं और उसे मसीह के लिए जीतने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो मसीह का आत्मा आप में नहीं है. For he come to his own, and his own received him not. Yet he gave his life for his enemy. He did. How true it is that that Spirit of God in you makes you feel the same way about everybody. क्योंकि वो उसके अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, फिर भी उसने अपने शत्रुओं के लिए अपने जीवन को दे दिया. उसने किया. यह कितना सच है. और आप में परमेश्वर का वो आत्मा आपको हर एक किसी के प्रति उसी तरह से महसूस करने को लगाता है.